देख ले आपके लिए हमान गाड़ी मोटर साइकिल उकिल नहंग जाए हल्का फुल्का गाड़ी आ जाए चल दे के हमान दस्खत दिए न अंगूठा दिए आप और कहा न कहा छाप गए पैसा कब दे रहे हो दस्खत अब दो साल के बात है दो साल हो गए अभी तक कुछ नहीं बने चले कुछ नहीं नहीं गए जी है ले बताओ बाबू जी अखबार कुछ नहीं क्या करेंगे ले बताओ आप तो सरपंच उरपंच ले नहीं बोला तुमने हम गरीब लोग मन लगा पूछन तो नहीं है क्या करोगे ले बताओ तो ये है गांव वालों का गुस्सा इसको गुस्सा जायज भी है क्योंकि यहाँ पर भाई साहब इतना बहुत ही ज्यादा परेशानी है इन लोग का गुस्सा भी जायज है ऐसा आपने कभी देखा है जैसा देख लो इसके क्या हो गया का हो गया रिसे है गाड़ी में गिरे गाड़ी से गिरा था और टांका के लिए क्या लगा है भाई साहब देख लो ये कौन सा है तार है ना तार ये तार है ना चांदी वाला तार है हाँ इसको पैर में लगाया है तो हॉस्पिटल नहीं गिरे गिरे हाँ इलकोन लगाई से वो अतुन जैन डॉक्टर 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 लगा ही ला हाँ अरे कहाँ के डॉक्टर है कंवरदा के गा कंवरदा सरकारी अस्पताल नहीं जैन प्राइवेट तभी तो 1,00,000 रुपया ले है डॉक्टर लगा डॉक्टर ने लगाया है देख सकते हो किस प्रकार से इसको किया है भाई साहब जानवरों को भी ऐसा नहीं किया जाता भाई देख लो ऐसा बेगा बाबा दारू मत पीना मैडम मन अब मैं पीना करे तो चिप्पे का नाम देख पाऊंगा बस गाप लेना वा अब खाना बैठा तो ऐसा हाल है मैंने आज तक कभी भी ऐसा इलाज देखा नहीं है कि यहाँ पर पूरा तार का लगाया भाई एक्सीडेंट हुआ था देख बाप अरे राम तो सरकारी हॉस्पिटल में कबन नहीं गिरे भाई गए उस समय में नहीं रहा नहीं रहा के साल हो गए लगाए नहीं रहा नहीं रहे तीन तीन चार साल पैसा वाले रहा 1,00,000 लगे एक लाख लगे कसम तो पिरावे नहीं है पक जाते हाँ मत कर मत कर मत कर देख पूरा उखाना थे का मत कर भैया छोड़ रहने बाबा भैया छोड़ क्या करोगे बाबू मरना है जीना नहीं ते दाई जी मेरे को मिले हैं भोरंदे में आया था तो कहाँ जाता है घर जाता है हाँ। कौन गाँव है तो एती तो रास्ता नहीं दिखाते भी मुलते यही रात दे यही मल जाबे तो यहाँ कहाँ आ रहे है साग भाजी तो नहीं लगाओ साग भाजी तुम्हें गरुआ चल ठीक है जा फिर ऐसे काय करत रहे हैं का नाम है का नाम है का नाम है बोल का नाम है का नोनी है का का नाम है नोनी नाम का है सुनाई नहीं मुझे नाम है और ये भाई साहब लोग क्या एमा बैठा ना गए काज जिग्गा नहीं बैठा तोर का नाम है अजय अजय औखर तोर सुमित कतका दूर है घर है पासे में हवा कौन कौन रही था बस्ती है हाँ। गाड़ी चल दी गाड़ी नहीं जा रहे हो रे ठीक ठीक हाँ पानी भरे तो पानी नहा के जाबे
चल ठीक है। ओ तो ये दाई ले गए थे अपन बस्ती दिखाए ला। नदिया है तो इतनी रोड उड नहीं बना हुआ है। तो एला ते नहा के जाबे नदिया। दोस्तों नदी भी गहरा है और दादी जी यहाँ से इस पर उस पर जाएगी और देख सकते हो भाई साहब इधर रोड में तो पूरा अभी उस उधर तो पूरा पत्थर ही पत्थर था, अभी तो फिसल गई थी। और रोज आता है। मैं दादी के साथ उसके घर जा रहा था और मेरे को और एक खास चीज देखने के लिए मिला है। ये भाई साहब पानी रोकने के लिए देसी जुगाड़ लगाए इन लोग। बेसरम का जो पौधा होता है पेड़ आपको इधर आसपास में उधर दिख रहा है, उधर बेसरम का पेड़ है उसको तोड़ तोड़ के यहाँ पास लगाए हैं ताकि पानी यहाँ पास रुका रहे घर के। तो अभी यहाँ पर भाई साहब इधर से पार करके अपने घर जा रही है। इन लोग का मुख्य साधन रहता है इन लोग का वहाँ पर। अभी मैं आपको आपको नेक्स्ट वीडियो पर मैंने आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। छेरकी महल का मैंने वीडियो अपलोड किया है, छेरकी महल का वीडियो में ये दादी जी जाती है वहीं पर बैठे रहती है। तो आप जब भी आए तो दादी जी से जरूर मिलिएगा क्योंकि वो छेरकी महल के पास में ही बैठे रहती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है दादी जी का गांव घर और मेरे साथ में मेरे दोस्त जी आए हैं। लगभग उसको 2 साल के बाद मिल रहा हूँ तो इसको मैंने भोरंदे घुमाने के लिए लाया हूँ। भाई साहब इधर का अनोखा ही नज़ारा है, ऐसा नज़ारा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा। दाई है थक गए, डंडा धरे है, ये दे दाई है रोज यहाँ से नदिया पार करके मंदिर में जाता है। रोज मंदिर में जाते नदिया पार करके फिर आई फिर जाही, बहुत समस्या है।
यहाँ का भोरनदेव का गांव और यहाँ पर खाना बनाने के लिए लकड़ी और वो तो भोरनदेव एरिया में जंगल एरिया में भाई साहब पानी की भी व्यवस्था है। पानी कहाँ लाते? जयराम सर, जयराम। पानी का व्यवस्था तो किया है से, वहां से ला रहे हैं। कते दिनों का पानी व्यवस्था ला? यहाँ अब धीरे धीरे साल भर होगे। साल भर होगा। बिजली वगैरह? हाँ ठीक है, बिजली है, ठीक है बाप। आपे के द्वारा से। और आ जाके कुछ सुविधा बार भाई? वही वही। हाँ रोड। अब कुछ सामान बड़े सामान लाना ले जाना रहित कैसे करता? का करबो तो जाओ मिल घी साल तुम्हारा तथन। अब जैसे तू मन हा एक खेत में धान लगाए हो रे हो, है ना? हाँ। अब ले गहू कैसे समस्या हो ही नहीं? अरे दादा रे ऑटो मंगा थन। हाँ, तो नदिया को ही पर रात हुई वो? नहीं ही आते आते आ जाते ऑटो। हाँ आ जाते। तो वो मिले दिक्कत हो तो ही ड्राइवर एक गाड़ा डेढ़ गाड़ा ले लेते। हाँ 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 ठीक ठीक। तुर का नाम है गा? मेरा नाम चैनू बैगा। चैनू बैगा। हाँ क्या करता आप मन? क्या करेंगे बाबू, दारू पीना है, घूमना है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड। हाँ ठीक। चावल मिलते? मिलते मिलते। और निराशी घलो को मिलते? कतका मिलते भाई के? 150 दिते। 150 250 रुपया? 250 महीना? महीना महीना में 250 रुपया निराशी मिलते। निराशी मिल रहे है। यदि दारू ले है? यदि दारू ले है तो भोरनदेव में दारू भी मिलते जंगल में? जंगल में तो मंगल नाथ का दारू है? महुआ के। महुआ के? इधर पपीता और रुखवा के। ठीक। और यहाँ पर कुछ सरकारी कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट लगा है, स्वस्थ दीवाल ऐसा कुछ मितानी लोग का लगा है। कहाँ गए इमन? नहीं दिखा थे वो पार थे। सरकार का खास बात मुझे ये लगा कि ऐसे जंगल में भोरनदेव के जंगल में पानी लाइट की सुविधा ऐसे चीज तो दे रहे हैं, लेकिन साथ में रोड का भी कनेक्शन देना चाहिए। क्योंकि भाई साहब मैं तो खुद आया हूँ, वीडियो में तो शुरू में ही देखे हुए कि कैसे दादी जी यहाँ पर इतना समस्या का समाधान ही करते हुए आए हैं भाई साहब। और यहाँ बहुत ज्यादा सबसे मेन दुविधा है भाई साहब की देखा जाए कि यहाँ रोड नहीं है। रोड एक बहुत बड़े चैलेंजिंग भरा है, रोड यहाँ बनना चाहिए। पानी नल ये सब चीज तो सुविधा दे ही देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर धान का फसल करते हैं, अब धान को बेचने के लिए बाहर ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी तो रोड होगा, तभी तो वहाँ पर आप बाहर अब ले जा पाओगे। भैया जी मिले हैं भोरनदेव में, मैं जंगल में भी आ रहे हैं। तो का नाम है भैया? तो यहाँ के का है परेशानी? रोड की समस्या है। यहाँ नल बिजली आते बस रोड बस की समस्या हुआ तो दोस्तों इन लोग का कहना है कि यहाँ पर फसल होता है और जैसे इसको बाहर ले जाना है बेचने के लिए तो फिर रोड रहेगा तभी बाहर ले जा पाएगा, है ना? एक ठीक बात बोलो। माने बरसात में थे ना पानी का बाढ़ आ जाती भैया, तो बड़ा दिक्कत होती हमले नहाके बार। तो ही माने विनय करे थे हमारे विधायक साहब ले सीएम ले ने कहा थे ये चीज में थोड़ा ध्यान दे देती। हाँ भैया अतके बार विनय हमारे विधायक सीएम तो तुमन तो अखबार ला दे रहे हो, लेटर पत्र दे रहे हो? नहीं। हाँ दे रहे हैं। तो उमन तो कुछ करीस नहीं? कुछ नहीं है। कुछ नहीं करीस? कुछ नहीं करे भाई। और मैं होते गौठिया बना लकड़ी छोड़कर। यही जो रोड है आप देख रहे हैं, इसी रोड से दादी जी गई है यहीं से ही। इसको आप रोड भी कह नहीं सकते हो, कहीं पर आपको रोड की जैसा दिख ही नहीं रहा होगा, पूरा पत्थर ही पत्थर है, कैसे आना जाना करते होगी। इन लोग का समस्या का कौन देखेगा,